हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 9 की रसायन विज्ञान के बारे में। केमिस्ट्री केमिस्ट्री का अध्याय 4 है परमाणु की संरचना, इसके बारे में बताएंगे। इसके पहले की 3 लेसन हम पहले वीडियो में बता चुके बच्चों आपको। यदि उसमें आपको कोई समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, तो हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अब कोचिंग का, आप जैसे बच्चे कुछ स्कूल नहीं जा पाते, कोचिंग नहीं कर पाते, उनका कोर्स नहीं हो पाता, पेपरों को ज़्यादा टाइम नहीं है, 9th वालों के पेपर तो हो सकते जनवरी में ही हो जाएंगे, इसलिए उनका कोर्स होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ इसमें नहीं छूटी हुई है, अभ्यास के किताब के अंतर्गत के सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। आप सभी अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चे उठा सकें। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। चलिए चलते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। इसमें है परमाणु की संरचना। पहला है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों पाए जाते हैं, इनके गुणों के आधार पर अंतर क्या है तीनों में, ये पूछ रहा है इसमें। यानी इलेक्ट्रॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं, संकेत क्या है, -10e। प्रोटॉन है +11p, यानी इलेक्ट्रॉन ई, प्रोटॉन पी, न्यूट्रॉन एन, तो इसमें क्या है, -10, फिर +11, फिर 01। अब होगा इलेक्ट्रॉन का दूसरा नंबर आवेश। यानी इलेक्ट्रॉनों का आवेश क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और प्रोटॉनों का धनात्मक होता है। न्यूट्रॉन में कोई आवेश ही नहीं होता। इनका द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/2000 गुणा होता है। क्या होता है, 1/2000 गुना होता है, और एक इकाई द्रव्यमान होता है, और न्यूट्रॉन का भी एक इकाई द्रव्यमान होता है। अगला प्रश्न है, जे टॉमसन की परमाणु मॉडल की क्या कमियां हैं। यानी जो जे टॉमसन है, वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने परमाणु मॉडल बनाया, उनकी सीमाएं हैं जो, तो क्या कमी है, उनकी सीमाएं क्या हैं। दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को, यानी दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए हैं जो परिणाम, उनको जे टॉमसन के मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। उन्हें जे टॉमसन के मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, उन्हें नहीं समझ में आया। अगला है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। किसके, वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, परंतु वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन एक स्थायी हो पाना संभवित नहीं था। यानी वर्तुलाकार जब चक्कर लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं हो पाते थे, हो पाना संभव नहीं था, क्योंकि वह भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। क्या होगा, ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार से स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। इस प्रकार परमाणु अस्थिर होता है, गोले के चारों ओर घूमता रहेगा जिससे नाभिक से टकरा जाएगा। गोल बीच में क्या होता है, गोल गोलाकार का बीच में नाभिक होता है। जैसे 4-5 गोले बना दो, बीच में गोला सब भर दो, तो क्या हो जाएगा, वहां पे नाभिक हो जाएगा। क्या होगा, नाभिक। तो लास्ट में क्या हो जाता है, वो नाभिक से टकरा जाता है। इस कारण से वो जब इसी तरह चारों ओर घूमता रहेगा तो नाभिक से टकरा जाएगा। इस प्रकार परमाणु अस्थिर होता है। परमाणु क्या होता है, अस्थिर होता है, परंतु हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु स्थायी होते हैं। अगला प्रश्न, इसमें बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। ये आपका देखो बच्चों बना हुआ है, जो हम अभी बता रहे थे। ऊपर के इलेक्ट्रॉन क्या है, यानी इस चक्कर से घूमते रहते हैं, जो ये है गोला बना हुआ है आपका, ये इसी में चारों ओर लगातार अगर वो घूमता रहा तो लास्ट में किससे टकराएगा, ये नाभिक, ये जो है तो आपका नाभिक बना हुआ, इससे केंद्र से टकरा जाएगा। इसे पूछ रहा है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं। यानी जो
ये बोर का परमाणु मॉडल होता है। इनमें इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं हो पाता। ये कक्षाएं यानी ये कोष चार होते हैं, के एल एम एन, ये संख्याओं में 1 2 3 4 के द्वारा दिखाई देती हैं। किसके? 1 2 3 4 के द्वारा दिखाई देती हैं, जैसे कि ये आपका दिखाया गया है। अब इसमें हमने बताया कितने कक्ष होते हैं, चार होते हैं, के एल एम एन। ये जो बीच का होता है ये क्या होता है, ये जो बीच में पाया जाता है ये केंद्रक होता है, यानी ये नाभिक होता है। और इसमें 1 2 3 4, ये सबसे पहले वाला नीचे से स्टार्ट होता है, इसमें के एल एम एन चार कक्ष होते हैं। इसी तरीके से यहाँ से गिनती स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4। इन चारों कक्षाओं में हम के में दो भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे दो, और इसमें एल में 8, एम में 18 और एन में 32। तो इस तरीके से होता है, 2 8 18 32। जैसे कि दूसरा गोला, पहला गोला बना है, इसमें दो बिंदु यानी दो गोले बनाएंगे, दूसरा है उसमें 8। जिस प्रकार से उसका परमाणु भार होगा या परमाणु क्रमांक होगा उसी अनुसार से हम, लेकिन पहले कक्षे में हम दो भरते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। इससे ज़्यादा नहीं भरते, इसके नीचे ही अंतर्गत आ जाए तो वही भरते हैं। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला इसमें पूछा गया है अध्याय प्रश्न 5। इस अध्याय में दिए सभी परमाणु मॉडल की तुलना करना है। इसमें जितने परमाणु मॉडल दिए हैं उनमें तुलना का मतलब होता है अंतर क्या क्या है। जैसे जे जे टॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु, तीनों परमाणु मॉडलों में अंतर देखना है। पहले जे जे टॉमसन में क्या है? जे जे टॉमसन मॉडल के अनुसार किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है इसमें, जे जे टॉमसन के मॉडल में बराबर होती है। इसी कारण से धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेशों में संतुलित रहता है और परमाणु वैधता के रूप में उदासीन भी होता है। अगला, इसमें एक मॉडल के अनुसार परमाणु, यानी इस मॉडल के अनुसार परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान धन आवेशित कणों के रूप में होता है। क्या होता है? परमाणु का यानी जो भी कोई परमाणु, उनका संपूर्ण यानी पूरा द्रव्यमान धन आवेशित धनायन कणों के रूप में एक गोले के रूप में होता है। किसके? एक गोले के रूप में होता है। इनके बीच बीच में ऋण आवेशित कण धसे होते हैं यानी घुसे रहते हैं। इसके बाद रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। क्या होता है? परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे हम नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इसमें एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान किसमें होता है? नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। किस आकार में? वर्तुलाकार। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना से काफी कम होता है। मतलब बोर परमाणु मॉडल, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, यानी कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। क्या होता है? उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। ये कक्षाएं यानी यह कोष के एल एम एन ये संख्याओं में 1 2 3 4 के द्वारा दिखाई जाती है। अभी हमने आपको ऊपर भी बताया था इसके इन तीनों के बारे में। अब अगला प्रश्न है, पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम लिखिए। पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम, किसी भी कक्षा में अधिकतम 2n² यानी इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, जहां n कक्षा संख्या। जैसे भी हमने आपको बताया है कि 2 8 18 32 होता है, तो पहले में 2 और दूसरे में 8, तीसरे में 18 और 32। लेकिन यहां पहली और दूसरी दिखाया जाए, परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, जैसे ये इसमें दिखाया गया है। के एल
ये तत्व के नाम दिए हुए हैं, कई एलिमेंट को बताया, जैसे भी हमने बताया तत्व का नाम, और वो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है, इसलिए वो पहले ही कक्ष में भर गया। और हीलियम का दो होता है, वो भी पहले में, और जैसे कि लिथियम का तीन होता है, तो हमने बताया था कि 2, 8, 18, नहीं पहले में कितने होंगे, दो तो भर गया, फिर एक बचता तो हमने एल में कर दिया। बेरिलियम का जैसे चार होता है, तो हमने यहाँ पे दो किया और इस साइड भी दो कर दिया। अब बोरान का है, तो के में दो और तीन बच रहा है, तो तीन में, क्योंकि एल में हम 8 तक भर सकते हैं। जैसे कि फ्लोरीन का है, फ्लोरीन का है तो 7 और 9 होता है, तो के में दो ही भरेंगे, इसमें कितने भरेंगे, दो, दो से कम है तो ये भर देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक होता है इसका, तो एक भर दिए, दो है ज्यादा हो रहा तो एल में भरेंगे, यहाँ पे क्या भरा, 7 भर दिया। अब अगला जैसे यहाँ पे मान 8, इस नियान का होता है 10, नियान के 10 होने के बाद के और एल में बराबर बराबर, नहीं इस कक्षा में हम 8 ही भर सकते हैं, लेकिन उतना ही आ रहा है। जैसे कि अब यहाँ सोडियम का होता है 11, तो यहाँ पे हम एम कक्षा में आए हैं, यहाँ पे के में 2 और एल में 8 और एम में 1 भरेंगे, यानी लेकिन 2, 2, 8, 18, 32, यानी जैसे कि हमने के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं और एल कोश में 8 से ज्यादा नहीं लिख सकते, बल्कि कम है जैसे यहाँ बताया तो लिख सकते हैं, और एम कक्ष में 18 लिख सकते हैं, 18 से नीचे, और एन कोश में 32 तक लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये सारे उदाहरण बताए गए हैं। जैसे सल्फर का दिया हुआ है, सल्फर का कितना होता है, 16, तो हम पहले कक्ष में कितने भरे हैं, 2, 2 आएगा, फिर दूसरे में 8, सीधे सीधे है, और एम जितना बचे तो एम में भर दो, 18 से नीचे तक 5 है। जैसे कि आर्गन का है, एयर का 2, 8, 18 होता है इसका, तो 2, 8, 18 वाले में हम कितने भरेंगे, 8, क्योंकि इसका 8 ही तक होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। बच्चों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम अगले वीडियो के माध्यम, आधा लेसन हुआ है, आगे के क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताते हैं, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। जो चीज समझ में नहीं आती है आप हमको कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए, तो हम दोबारा उस वीडियो को बनाएंगे जिससे आपको समझ सकते हैं। चलिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वैसे ही हम आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो उपलब्ध करा देंगे, कमेंट्स कर दीजिएगा। ओके।